प्रॉपर बच्चा अगर आप देखोगे ना, वो क्या करने आएगा, वो यूट्यूब में आएगा, अपनी वीडियो से कॉन्टेंट लेगा और उसको पढ़ के वो निकल जाएगा। वो ना तो किसी का फैन होता है, ना किसी का कुछ होता है, वो अपना पढ़ता है और निकल जाता है, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। और ये जो लगे रहते हैं ना, मैं इसका फैन हूं, मैं उसका फैन हूं, भाई साहब तुम फैन ही रह जाओगे और तुम फिर उसको देखोगे दूर से, क्योंकि वो तो कमा रहा है, उससे तो कुछ जाता नहीं तुम्हारे को फैन बना के। बेटर कि आपको क्या चाहिए वो देखो, आप देख के आपने यूट्यूब छोड़ दिया, बात खत्म। समझ में आता है? किसी के लिए कुछ कमेंट या कॉम्प्लीमेंट, या देखो ठीक है, जो अच्छा मेहनत कर रहा है उसके लिए आप उसको पर्सनली लिख भी सकते हो, लेकिन एकदम से पागल मत हो जाओ जिससे आपका समय खराब हो। मेन चीज है समय मत खराब करो, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। किसी का फैन होना बुरी बात नहीं है। मैं आई एम ऑल्सो द फैन ऑफ दिलीप कुमार, आई एम ऑल्सो द फैन ऑफ यू नो द लेजेंडरी पीपल, आई एम ऑल्सो द फैन ऑफ भगत सिंह, बट मैं जो चीजें उनसे अच्छी सीखता हूं, वरना समय तो खराब नहीं करता हूं ना, समय नहीं खराब कर रहा हूं मैं। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू नो अ फैन होना एंड अ पागल फैन होना। वी डोंट हैव टू बी अ पागल फैन जो समय खराब कर रहा है, समय नहीं खराब करना। फैन होना अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप उसको एडमायर कर सकते हो, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स जिसकी उसे भी जरूरत नहीं है और तुम्हें भी जरूरत नहीं है। और यहीं से सोशल मीडिया पे टाइम आपका बचना शुरू हो जाएगा। आ रहा है समझ में?